कम अली, तूने आखिरी इच्छा बताई है? मरने वाला है अंग्रेजन, तू भी मरने वाली है। बता जल्दी से अपनी आखिरी इच्छा क्या है। श्रीवास्तव जी, 2 बजे जिंदा हुआ, 3 बजे फिर मरा। आइए आप, प्लीज आइए। तू भी मरने वाला है और तेरे मरने के बाद तेरा बाप भी मरने वाला है। आखिरी इच्छा तूने पूछी नहीं उससे अभी तक। सिंह राशि की किस्मत में क्या है, चलो देखते हैं। ओहो, सिंह राशि का तो आज राजयोग है। कल तू राजा बना था, आजापुर राजा बन गया। अरे कल्लू भाई, इसी बात पे चाय हो जाए। ललन भाई, 4 कटिंग मलाई मार के। साले भिखारी लोग, ऑर्डर तो ऐसा देते हैं जैसे इनकी बाप की दुकान हो। कल्लू टीवी पर चाय इसको भी दे, शक्कर बराबर डालना। अरे ये तो वही गाड़ी है। 2 बिस्लरी लाना। साहब पैसे नहीं लूंगा। क्यों साहब, आप बड़े लोग हैं इसलिए मुझे नहीं पहचानेंगे। कुछ महीने दिन पहले इसी गाड़ी से आपने 11,000 रुपये मुझे से भिखारी को भीख में दिए थे। बस बस उन्हीं पैसों से छोटा सा चाय का धंधा चालू किया साहब। ललन टी स्टॉल। वो मैं नहीं, मेरे पापा थे। भगवान आपके पिताजी को लंबी उम्र दे साहब। फिलहाल तो खुद ही वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे। क्या नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब। माता रानी मेरी ऐसा नहीं कर सकती साहब। मेरी माता रानी सब ठीक कर देगी साहब। ये मेरी माता रानी की तस्वीर है साहब, इसे आप अपने पिताजी के पास रख देना, देखना उनको कुछ नहीं होगा साहब। मेरी माता रानी सेठ को कुछ होने नहीं देंगी साहब। डॉक्टर, तुमसे कुछ भी ठीक नहीं हुआ, चलो बाहर। भाभी जी, आप प्लीज इन्हें बाहर ले जाइए और मुझे अपना ट्रीटमेंट करने दीजिए। ट्रीटमेंट? तुम क्या ट्रीटमेंट करोगे? देखो ये देखो ट्रीटमेंट। भाभी जी चलो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ऑल दीज आर स्टूपिड थिंग्स। स्टूपिड थिंग्स, मैं इसे ठीक कर दूंगा। प्लीज डॉक्टर साहब जाओ। वो तुम सबको मारना चाहती है, उसी ने मेरे गुरुदेव को मारा है। अब तुम सबकी बारी है। तुम्हारे घर में दुष्ट आत्माओं का साया है, मुझे उनसे लड़ना होगा, तभी तुम सब लोग बच पाओगे। कल मैं तुम्हारे घर में जाऊंगा, तब तक कोई भी परिवार का सदस्य उस घर में कदम नहीं रखेगा। जी महाराज। और एक बात और। क्या? तुम लोग इस ताबीज को गले से मत उतारना। इस ताबीज में वो मंत्र है जिसकी वजह से तुम सब मृत्यु से बच पाओगे। जी। तुम यहां? मैं सिर्फ तुम्हें बचा सकता हूं, सिर्फ मैं। वो दुष्ट आत्मा किसी भी रूप में छल कपट करके इस ताबीज को तुमसे उतरवाना चाहेगी। तुम्हें कब्रिस्तान, शमशान में बुलाने की कोशिश करेगी, जहां पे इस ताबीज की शक्ति का असर कम हो जाता है। हरगिज नहीं इस ताबीज को उतारना। राज। मामा। बेटा आज रात को कहीं मत जाना, हाँ यही रहना। मामा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आप सबके पास हूँ, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? हाँ। इंजेक्शन ले आया? जी। मामा को अंदर लेकर जा। राज। हाँ मामा। बेटा कहीं मत जाना, हाँ यहीं रहना। मम्मा मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, हाँ। आप प्लीज आराम करो। अच्छा। जी चलिए मैम साहब। हेलो, तुम डिकॉस्टा से मिलना चाहते हो ना? तुम कौन बोल रहे हो? 30 मिनट के अंदर तुम मालवानी के क्रिश्चियन सेमेट्री में पहुंच जाओ। 30 मिनट में मालवानी कब्रिस्तान? तुम कौन बोल रहे हो? तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। राज, 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 I will also come with you. वहां ना जाने मेरे साथ क्या होगा? I can't take you with me. तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। No, राज, जो भी होगा फेस करेंगे। I said I will come with you finally. But no excuse. Oh,
डिकॉस्टा से तुम्हें क्या काम है? डिकॉस्टा से तुम्हें क्या काम है? कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? ये तो मैं उसे ही बताऊंगा। मैं ही डिकॉस्टा हूँ, बोलो क्या जानना चाहते हो? तुम्हारा घर हमने खरीदा है। मैं हूं मिस्टर ओबेरॉय का बेटा राज। मेरा घर कैसा है? तुम्हारा घर तो ठीक है मिस्टर डिकॉस्टा, पर तुम्हारे घर ने हमारा सुख चैन सब छीन लिया है। मुझे मेरे घर ले चल सकते हो? लेकिन पहले हम लोग चर्च जाएंगे, फिर हम तुम्हें तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट देंगे। डैड भी चल रहे हैं ना हमारे साथ चर्च? वो डैड ने कहा है ना कि वो शाम को ना हमारे साथ बर्थडे केक काटेंगे, फिर हम सब साथ में डिनर के लिए भी जाएंगे। हाँ रियली सिस्टर? ऑफ कोर्स जेनी, अब तुम जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, हमें चर्च भी जाना है ना। चलो उठो 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 उठो। जेनी बहुत नॉटी हो गई है ना। क्या मांगा? मैंने मांगा कि मेरी दोनों दीदी हमेशा मेरे साथ रहे और मुझे कभी छोड़कर ना जाए। अगर तुम ये विश नहीं भी मांगती ना, तो भी हम तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। दीदी लेकिन मम्मा तो हमें छोड़कर चली गई ना। नहीं जेनी, मम्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं गई, वो तो हमेशा हमारे साथ रहती है। और देखना, जब आज रात को तुम सोओगी ना, तो मम्मा तुम्हारे ड्रीम में आकर तुम्हें बर्थडे विश भी करेंगी। सच सच। अब तुम तैयार हो जाओ, चर्च के लिए लेट हो रहे हैं। ओके दीदी, मैं अभी आती हूँ। दीदी? हाँ? पर्दे चेंज किए हैं क्या? हाँ, ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है, तुम्हें तो पता है नलीना। मम्मी इसी कलर के कपड़े पहनती थी, इसीलिए ना। यस yes. मॉम के जाने के बाद हमारे जिंदगी के अच्छे पल बस इस कमरे तक ही सीमित है। यहाँ से बाहर निकलते ही सब कुछ कितना सुना सुना लगता है। डैड आएंगे ना केक काटते वक्त? पता नहीं।